सेंट एंड्रयूज कॉलेज में शनिवार को मेगा लीगल एट कैंप सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कहा कि इस मेगा लीगल एट कैंप में महिलाओं की अधिक उपस्थिति यह दर्शाती है कि चेतना का स्तर बढ़ रहा है। इस कैंप में विधिक चेतना के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सहायता के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिस पर लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार लोगों की सहायता के लिए कार्य भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति चैतन्य भी होना चाहिए। किसी भी व्यवस्था का भली भांति संचालन के लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों को जागरूक करने में मदद मिलती है। इस अवसर पर प्रशासनिक न्यायमूर्ति डीके अरोरा ने लोगों को JEE AES नशा उन्मूलन शिक्षा का अधिकार एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित जानकारी दी। सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ज्योत्सना ने भी सभी का स्वागत करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कैंप में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, खाद एवं रसद, दिव्यांग जन कल्याण, जिला प्रोबेशन, जिला ग्राम विकास अभिकरण, श्रम विभाग, जन सेवा केंद्र, कृषि विभाग, कौशल विकास योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार, समाज कल्याण मनरेगा, अल्पसंख्यक कल्याण, BRD मेडिकल कॉलेज, नशा मुक्ति केंद्र, पुलिस सेवा, संभागीय परिवहन, लीगल एंड क्लिनिक सेंट एंड्रयूज कॉलेज, उज्ज्वला योजना, विद्युत विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक सहित 34 स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ ने सभी का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी KVJN पांडियन, ADG दावा शेरपा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील गुप्ता, SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, CEO कैंट प्रभात राय, पूजा पांडे आदि मौजूद रहे। रिकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो उसमें जो पहले एक इलाज की पद्धति हुआ करती थी ECT, जिसमें माननीय न्यायमूर्तिगण इस शिविर में पधार चुके हैं, उनका स्वागत करें। इसके बारे में जानकारी है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत जो बच्चों की सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है, उनकी विभिन्न योजनाएं जो है उनको हम दर्शा रहे हैं। यूनिफॉर्म भी देते हैं, पेपर उसका अंदर रखते हैं, सर्टिफिकेट के बाद इसी पे ABCD करके थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आ जाएगा। क्या आते हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति श्री गोविंद माथुर महोदय, मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश गोरखपुर पधार चुके हैं। मैं अब जनपद न्यायाधीश महोदय से
आमंत्रण करूंगा कि मंच पे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत फ्लावर पॉट देकर के करें। ज्योत्सना शर्मा से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय का स्वागत। मैं राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव सुधीर सालसा कि वो मैडम श्रीमती ज्योत्सना शर्मा को फ्लावर पॉट देकर के इस कार्यक्रम ऊर्जा उत्साह का प्रतीक, ऊर्जा और अंतोदत्व जीवन को सृजित करने का प्रतीक, रोशनी प्रकाश जो अज्ञानता को दूर करता है, हमें सक्षम और सामर्थ बनाता है। जागरूकता की जाएगी बल्कि ये प्रयास होगा हमारा कि जहाँ तक संभव हो यथा संभव यहीं पे आपको वो सेवाएं मिल सकें जो जिसके लिए आपको विभागों तक दौड़ लगानी पड़ती है। इसके लिए हमारे स्टॉल्स इधर भी लगे हुए हैं जो ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन लेंगे, तो आप जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए हमारे पहले दो स्टॉल्स हैं वहाँ पर अपने आवेदन दे सकते हैं। अभी दो दिन पहले ही मेरे सामने एक प्रश्न आया था कि इस शिविर के विषयों में जापानीज एनसेफेलाइटिस क्यों। मैं स्पष्ट कर दूं कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के द्वारा तय नीतियों और सिद्धांतों से निर्देशित है। नालसा एवं सालसा न केवल विधिक सहायता एवं सेवाएं व योजनाएं बनाते हैं बल्कि राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु स्कीम्स बनाते हैं। न केवल स्कीम्स बनाते हैं, रणनीति भी तय करते हैं कि कैसे ये योजनाएं, ये योजनाओं का प्राप्य जन समूह को प्राप्त हो सके जो इसके वास्तव में अधिकारी हैं। सालसा की मुख्य भूमिका इस स्तर पर एक नोडल एजेंसी के रूप में है। सालसा केवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और सालसा ये अवसर उपलब्ध कराती है कि आप एक स्थान पर एकत्रित होकर सभी प्रकार की सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और जो सेवाएं आपको मिलनी चाहिए वो आप यथासंभव, ये हमारा प्रयास होता है कि यथासंभव यहीं पे मिले। और जब किसी एक योजना के बारे में आदमी जानता है और लाभ प्राप्त करने के लिए एक विभाग में जाता है जो कहीं और स्थित है, तो यहाँ पर स्थित होने के कारण वो केवल उस योजना के बारे में नहीं बल्कि तमाम अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो हम यहाँ पर एक पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में हैं और आप सब जितने हमारे स्टॉल्स हैं, जितने हमारे सरकारी अधिकारी हैं, वो एक सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना नहीं है बल्कि हमारा उद्देश्य सर्विस प्रोवाइडर्स को भी जागरूक करना है, उनको सुषुप्ता अवस्था से उठाना है कि वो हमारे प्रति, हमारे जनसमूह के प्रति जो वास्तव में पीड़ित है, जिनको जरूरत है न्याय की, उनको प्राप्त हो, वो उसके प्रति संवेदनशील हो सके। माननीय मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट महोदय, एसएसपी महोदय एवं अन्य प्रशासन अधिकारीगण, भाइयों विषयों को जापानी इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम एवं उपचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस बीमारी के विषय में अधिक जानकारी है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग के लोग उपस्थित हैं, परंतु आम जन को ये समझना चाहिए कि उपचार से अधिक महत्वपूर्ण बचाव है। ये बीमारी मुख्य रूप से मच्छरों से फैलती है, अतः स्वच्छता और मच्छरों के बचाव अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता के विषय में सरकार की प्राथमिकता इसी से स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के नाम से एक देशव्यापी कार्यक्रम चला रखा है। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने लिए, अपने परिवार व समाज के लिए तथा संपूर्ण देश की व आगामी पीढ़ी के लिए स्वच्छता को धार्मिक कृत्य के रूप में अंगीकृत करें। इस जन जागरण प्रोग्राम के तहत हमारे जो प्रयत्न है कि हम आप लोगों को बता सकें अन्य और विषय जो है, जैसे कि नशे की समस्या, उसके इवल्स क्या है, उससे समाज को कितना नुकसान हो रहा है, एज ए नागरिक आपके मताधिकार जो है, आप एक बटन दबाकर अपनी सरकारी इच्छित सरकार को बना सकते हैं, उसके लिए आपको आपके क्या अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त सीनियर सिटीजन के लिए कानून बना है
उसके लिए आपके क्या अधिकार हैं जो सीनियर सिटीजन से, अगर उनको अपने परिवार, अपने अन्य लोगों से अगर उनको कोई कष्ट होता है तो वो कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को और वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं कानून बना है। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार के तहत उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं भी कहीं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए इस जन जागरण अभियान के द्वारा आप लोगों को अवेयर कराया जाएगा। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ आदि जो है और उसके अलावा और जो वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की उससे आपको रूबरू कराने का प्रयत्न किया जाएगा जिससे आप जान तो सकें कि आपके कहां अधिकार हैं और आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। आपकी सहायता के लिए हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं और आज इस समय भी आप यहाँ जो आपको लगता है कि कोई भी इशू जो आपके पेंडिंग है आप अपनी एप्लीकेशन को दे सकते हैं। आपकी मदद के लिए यहाँ पे पैरामेडिकल वॉलंटियर्स हैं। मेरा इस आयोजन को आयोजित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस आयोजन की सफल कामना करता हूँ। श्री वी के अरोड़ा साहब, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की मेंबर सेक्रेटरी ज्योत्सना जी, गोरखपुर के जिला न्यायाधीश और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरपर्सन श्री गोविंद पल्लव शर्मा जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शाही जी, सामने विराजमान उच्च न्यायालय और गोरखपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले आभार और धन्यवाद स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कि मुझे उत्तर प्रदेश राज्य के इस पश्चिमी पूर्वी छोर पर स्थित इस महत्वपूर्ण नगर में आने का मौका दिया और मुझे ये भी अवसर दिया कि मैं आपसे अपनी बात कर सकूं। मैं जब इस मंच पर आया तो मुझे देखकर सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की हुई कि यहाँ पे महिलाओं की उपस्थिति बहुत बड़ी है जो सामान्यतः नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक अगले दिन आपकी ये उपस्थिति इस बात की द्योतक है कि धीरे धीरे ही सही हमारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है। कुछ देर से सही, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि हमारा चेतना का स्तर, और जब हम चेतना की बात करते हैं तो जब विधिक चेतना और विधिक चेतना का अर्थ जो विधि के शासन को उन्नत करने के लिए जो हमारी हर तरह की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक चेतना को व्यापक बनाने में सहयोग दे वह चेतना। विधि चेतना का अर्थ सिर्फ कानून का परिचय कराना नहीं है। हम 70 वर्ष से एक लोकतंत्र के नागरिक हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक हैं जहां पे कि रूल ऑफ लॉ विधि का शासन प्रिवेल करता है। ज्योत्सना जी ने अभी कहा कि हम विधि की चेतना का स्तर सभी में, सभी पक्षों में, आप सब में और सर्विस प्रोवाइडर्स में, दोनों में ही बढ़ाना चाहते हैं। उनकी बात कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी व्यवस्था के अंदर यदि व्यक्ति का भरोसा इस चीज में है कि उसे
न्याय मिलेगा, तो ये मान के चलिए कि वह व्यवस्था हमेशा मजबूत होगी। मुझे लग रहा है जैसे सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, ये ऐसे हैं जो कि हमारे रिफॉर्म से रिलेटेड है। दूसरी और वो भी है जिनसे हमारे को अपारी अधिकारों की जानकारी होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि सोशल रिफॉर्म्स और हमारे राइट्स दोनों के प्रति जागरूक रहें। नशा मुक्ति किसी भी परिवार के लिए और किसी भी समाज के लिए आवश्यक है कि वहां कोई भी नशे से ग्रस्त व्यक्ति ना हो। हमारा यह प्रयत्न है कि हम इसके बारे में भी जागरूक करें। मैं अभी जब इस गोरखपुर शहर में एंटर हुआ तो मुझे लगा कि कमोबेश ट्रैफिक की स्थिति वही है जो कि सारे देश में है। अस्त व्यस्त ट्रैफिक शायद हमारी आदत हो गई। बगैर हेलमेट के घूमना हमारी आदत में हो चुका है। स्वच्छता का अभियान हम पिछले 5 साल से चला रहे हैं लेकिन फिर भी अस्वच्छता नजर आती है। कृपया समझने का प्रयत्न करें कि अगर सफाई करने वाले हाथ 20 हैं लेकिन गंदगी करने वाले 2 लाख हैं। अगर हम 2 लाख लोग अगर उन 20 लोगों का सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी अभियान सफल नहीं होगा। हमारी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले 10 जने हैं और उसकी उल्लंघन करने वाले 2 लाख लोग हैं। हम अगर प्रशासन का साथ नहीं देंगे तो अव्यवस्था रहेगी। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के अंदर अपने दावे दाखिल करने आए, वह एक बुरी स्थिति है। हम ये चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे। ऐसी कोई स्थिति नहीं चाहते हैं कि हम मुकदमों की संख्या बढ़े। हम चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों के प्रति चैतन्य हो और आपके अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित बगैर न्यायालयों में जाकर के किया जा सके। लेकिन साथ ही अगर आपको न्यायालय में आना पड़ता है तो हमारी संस्था स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और आपके जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो आपकी सहायता के लिए। मैडम मैडम पास में आ गया। जानकारी पर ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। समय समय पर प्राधिकरण जानकारियां उपलब्ध कराता रहता है। यादों का जीवन में बहुत महत्व होता है। जनपद के न्यायमूर्ति महोदय ने अपना समय दिया, यहाँ उपस्थित हुए। इसी क्रम में हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे जय 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 हे।